वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऑक्सीजन ओएस कैसे इंस्टॉल करें जो कि यहाँ पे रेडमी नोट 7 में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है रेडमी नोट 7 और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि MIUI 12.0.2.0 मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, 1 दिसंबर का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो ये वर्षन के ऊपर अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस को यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो जो कि ऑक्सीजन ओएस 11 पोर्ट यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 का मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस एंड्रॉइड 11 बेस्ड आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करें उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हो। तो यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट एक कस्टम आपको रिकवरी इंस्टॉल्ड कर लेना होगा, जो कि अगर आप कोई भी कस्टम रॉम इंस्टॉल्ड करना चाहते हो तो फर्स्ट आपको यहाँ पे कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे TWRP रिकवरी, उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, यहाँ पे स्काईवाइव रिकवरी, आप कौन सा भी यहाँ पे रिकवरी इंस्टॉल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैं इंस्टॉल्ड कर चुका हूँ जो कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। तो आपको यहाँ पे जाना है जो कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। तो यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद जो आपका डिवाइस ऑफ होगा, डिवाइस ऑफ होते ही पावर बटन को यहाँ पे रिलीज कर देना है, जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पावर बटन को यहाँ पर रिलीज करना है, वॉल्यूम अप बटन को यहाँ पर कंटिन्यूसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन को कंटिन्यूसली होल्ड रखना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है जो कि ऑक्सीजन ओएस को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि यहाँ पे एंड्रॉइड 11 बेस्ड आपको यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस मिल जाता है। तो उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आपके पास SD कार्ड है तो SD कार्ड यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपके पास OTG है तो OTG यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास OTG है तो यहाँ पे मैं OTG यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट जो कि मेनू के अंदर जाना है, रिबूट, आपको यहाँ पे रिकवरी एक बार क्लिक कर लेना है, जो कि ये कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है डिटेक्ट होने के लिए एक बार रिबूट करना है रिकवरी में। उसके बाद यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा तो आपको सिंपल वेट कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे इस मेथड में जो है डेटा इरेज होगा, जो कि आप MIUI से कोई अदर रोम में जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस पे जा रहे हो तो इसका कारण यहाँ पे जो MIUI का डेटा यहाँ पे इरेज हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे डेटा बैकअप कर लेना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है जो कि वाइप डेलवेक सिस्टम, यहाँ पे कैश वेंडर डेटा इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पे आपको सभी वाइप कर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है देख सकते हो वाइप हो रहा है, आपको यहाँ पे जाना है जो कि यहाँ पे OTG और यहाँ पे रेडमी नोट 7 और यहाँ पे देख सकते हो OnePlus 8 जो कि एंड्रॉइड 11 पोर्ट लेवेंडर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसको यहाँ पे सिंपल फ्लैश कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे स्वाइप टू अनलॉक करना है, उसके बाद होम प्रेस करना है, आपको यहाँ पे 3 डॉट यहाँ पे मैनेज पार्टीशंस और यहाँ पे आपको डेटा सेलेक्ट करके आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट डेटा यस क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा फॉर्मेट कर देना है, जो कि यहाँ पे रोम इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल डेटा फॉर्मेट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे बूट होगा, तो आपको यहाँ पे बूट होने तक वेट कर लेना होगा। और यहाँ पे आप OTG भी डिस्कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास OTG नहीं है तो आप SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज वाइप होता है तो इसके कारण आप यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में कॉपी नहीं कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे SD कार्ड नहीं तो आप OTG यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे आ चुका है ऑक्सीजन ओएस का यहाँ पे जो है लोगो और यहाँ पे बूट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपल बूट होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस बूट हो चुका है, जो कि यहाँ पे नॉर्मली और यहाँ पे कोई भी बूट लूप नहीं हुआ है, सिंपली यहाँ पे मेरा जो है डिवाइस बूट हो चुका है। तो यहाँ पे ये एक जो है परफेक्ट मेथड है, आप यहाँ पे बेसिक मेथड फॉलो करके अपने डिवाइस में यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे रेडमी नोट 7 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।